आज मैं आपको HDFC बैंक के डेबिट कार्ड की कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल या फिर डिसेबल कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके भी पास है HDFC बैंक का डेबिट कार्ड और उसमें लगाया वाईफाई का सिंबल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास है HDFC बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड और यहाँ पे वाईफाई का आइकन है, मतलब मैं यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ कॉन्टैक्टलेसली। तो अगर आपके डेबिट कार्ड में वाईफाई का आइकन है तो आप कॉन्टैक्टलेसली कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो अगर आपके पास है तो आपको इसे इनेबल करना होता है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है तो आपको इसे इनेबल करना होता है। तो जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर होती है मशीन, स्वाइप मशीन होती है, या पेट्रोल डलवाने जाते हो तो वहाँ पर स्वाइप मशीन होती है। तो वहाँ पर आपको एक तो पेमेंट करते समय आपको दो तरीके से कर सकते हो वहाँ पे, एक तो पिन इंटर करके, डेबिट कार्ड का पिन इंटर करके, और दूसरा है कॉन्टैक्टलेसली। तो अगर आप करना चाहते हो कॉन्टैक्टलेसली और कभी कभार फेल हो जाता है तो आपके डेबिट कार्ड का जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होता है वो डिसेबल होता है, इसी वजह से आपकी जो भी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होती है वो फेल हो जाती है। तो उसे कैसे इनेबल किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है, तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सचिन मेन यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो लेके जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड आपको पसंद आता है सिर्फ आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी है, जैसे कि IDFC का, तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, ऑफिशियल डिटेल फिल करनी है, और आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा नहीं ये इमीडिएट बताएगा। तो अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को कैसे इनेबल किया जाता है। तो इसके दो से तीन तरीके हैं जिसके जरिए आप कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को इनेबल कर सकते हो। पहला तरीका, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है और उनको बोलना है कि मुझे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को इनेबल करना है, तो वो आपके लिए आपके अकाउंट में आपके डेबिट कार्ड के कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को इनेबल करके देंगे। दूसरा तरीका, आप नेट बैंकिंग के जरिए भी अपने डेबिट कार्ड के कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को इनेबल कर सकते हो। तीसरा तरीका, आपको बैंक में जाना है और उनको बोलना है कि मुझे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करना है, तो आपके लिए कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करके दे सकते हैं। और चौथा तरीका, आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको मोबाइल बैंकिंग के जरिए कैसे इनेबल या डिसेबल किया जाता है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, ये एप्लीकेशन है HDFC बैंक का, वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है, इसलिए यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट से इसे लॉगिन कर देता हूँ। आप इसे MPIN के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका बैलेंस, यहाँ पे बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, एड पे, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो मुझे मेरे डेबिट कार्ड का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन इनेबल करना है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ मेनू का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है पे में, और पे में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कार्ड्स करके उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके कार्ड की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे इस डेबिट कार्ड का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करना है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो एरो का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैंने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन लिमिट 4 लाख सेट किया है। ये आप चेंज भी कर सकते हो, सेट पिन भी कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे शो मोर है उसके ऊपर क्लिक करना है और जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि डोमेस्टिक, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो इंडिया में ये डोमेस्टिक में आता है, और आप इंटरनेशनल करना चाहते हो तो यहाँ पे इंटरनेशनल भी है। फिलहाल मैं डोमेस्टिक ही बताने वाला था। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को इनेबल करना है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो नीचे आना है, और यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसी वजह से आपका जो भी आप कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन करने जाते हो वो फेल हो जाती है। तो इसे आपको इनेबल करना होता है, तो इसे मैं इनेबल करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो प्लीज इनेबल मर्चेंट आउटलेट यूसेज फर्स्ट टू एक्सेस द कॉन्टैक्टलेस यूसेज। तो आपको पहले मर्चेंट आउटलेट इनेबल करना है और फिर से इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप इसका लिमिट कितना सेट करना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हो 1000, 2000, 3000, 4000, 10000, अप टू 20000 तक यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। आपका लिमिट अलग हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हो कि
जो भी आप ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्टलेस करना चाहते हो, मुझे सिर्फ 2,000 का ही रखना है कि 2,000 के ऊपर कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन ना हो, तो यहाँ पे मैं 2,000 ही रख देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो सेट हो चुका है। इसी के नीचे यहाँ पे कंफर्म का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यू विल हैव टू वेरीफाई योर डेबिट कार्ड डिटेल्स। तो आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स वेरीफाई करनी होती है, तो नीचे की तरफ कंटिन्यू का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेबिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड पिन और एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर करना है, और नीचे की तरफ कंटिन्यू का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मेरी इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है HDFC बैंक का मिलियन है डेबिट कार्ड, और यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट वाईफाई का सिंबल है, मतलब ये कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन इस डेबिट कार्ड से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डेबिट कार्ड का पिन और एक्सपायरी यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड पिन और एक्सपायरी इंटर किया है। इसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड द फॉलोइंग लिमिट्स फॉर योर डेबिट कार्ड। यहाँ पे डोमेस्टिक यूसेज के लिए इतना रखा है, मर्चेंट आउट के लिए यहाँ पे इतना रखा है, और कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए मैं यहाँ पे 2,000 रखा है। 2,000 के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाऊंगा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट रखा है 2,000। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही अपने डेबिट कार्ड का कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरह से इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।